एम्स की जब भी बात आती है तो हमने आपको लगातार जेके मीडिया पर अपडेट किया कि क्या क्या स्टेटस रहा है एम्स हॉस्पिटल जो कि जम्मू के लिए सैंक्शन किया गया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पीडीपी की सरकार जो इन दोनों पार्टियों की रही उसमें ये कहीं ना कहीं सैंक्शन किया गया था, लेकिन एक बड़ी जद्दोजहद के बाद ये एम्स जम्मू में मिला था और कई कयास लगाए गए कि कब इसका काम शुरू होगा, लेकिन उसके बाद 2019 की बात करें तो फरवरी मंथ में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर आए और एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखा और उसके बाद यह कहा जा रहा था कि इस पर जो वो काम बड़े आहिस्ता चल रहा है, इस पर कोई काम जो है इतनी प्रोग्रेस नहीं ला पा रहे, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि उसमें यह भी कहा गया था कि 3.5 साल के एक जो इसका टाइम पीरियड रखा गया था कि 3.5 साल में यह एम्स जो है बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। तो आज जेके मीडिया की टीम एक बार फिर से यहां पर इस एम्स साइट पर पहुंची है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये सामने जो तस्वीर है आप देख रहे हैं, यहां पर एम्स जो है वो आप देख सकते हैं कि काम यहां पर जोरों शोरों से चल रहा है। हालांकि काम की गति जो है वो थोड़ी सी अभी धीमी है क्योंकि एक तो मौसम भी जो है वो अनुकूल नहीं है, गर्मी काफी जो है वो चिलचिलाती धूप पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस पूरी लैंड की मैं बात करूं जो एक्वायर्ड की गई थी हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा, 1900 कैराल से भी ज़्यादा की ये लैंड है, जो इतना बड़ा दायरा आप देख रहे हैं वो पीछे जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं कि जहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं उसके ऊपर वाली हिस्से की अगर बात करें तो वो हिस्सा भी एम्स के इसी लैंड के अंदर आता है, इसी पूरे दायरे में आता है और 1900 कैनाल से भी ज़्यादा का ये जो पूरा दायरा है, मैं आपको पैन करके कैमरा सहयोगियों को बोलूँगा कि ये पूरा पैन करके दिखाया जाए। और अगर इस पूरी 1900 कैनाल लैंड की बात करें, ज़मीन की बात करें, तो इसकी बाउंड्री वाल का काम ही जो है लगभग इसे कई 3 से 4 महीने का वक्त लग गया इसकी पूरी बाउंड्री वाल को कवर करने में। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, मैं आपको पैन करके दिखा रहा हूँ ये एम्स साइट के दृश्य, आपको मैं पूरा का पूरा दायरा दिखाऊंगा और उसके बाद अगली बात करेंगे कि आखिर काम जो है यहाँ पर बड़ी तेज़ी से हो रहा है, लेकिन अभी इतनी तेज़ी नहीं है, लेकिन अब अगर अब बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन चुके हैं भारत के, भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार सत्ता में कमबैक किया है और ये अब उम्मीदें लगाई जा रही है कि अब काम में और तेज़ी आएगी, क्योंकि जिस तरह से कुछ अहम डिपार्टमेंट उन्होंने अपने पास रखे हैं तो उस प्रधानमंत्री जी की नज़र जो है अब इस एम्स में होगी कि आखिर इसे जल्द बनाकर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यहां सर यहां पे यह भी कयास लगाया जा रहा है कि जब यह एम्स बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब हिमाचल के जो लोग हैं वो भी इसका जो है वो फायदा ले पाएंगे, यही कहा जा रहा है। और ये पूरा का पूरा आप जो दायरा देख रहे हैं ये 1900 कैनाल से भी ज्यादा है, जिस पर एजेंसी जो है CPWD काम कर रही है और ये एक अच्छी खबर है। हालांकि काम में थोड़ी सी तेजी लाने की और जरूरत है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कैमरामैन को बोलूंगा कि आगे के दृश्य दिखाए जाए कि यहाँ पर जो काम चल रहा है, पहले सबसे पहले बाउंड्री वॉल का काम चला था, लेकिन अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है वो शुरू हो चुका है। तो हम ये लगातार प्रयास हमारा यही रहता है कि हम आपको पल पल की जानकारी हर उस खबर पर दें, उस खबर का आपको फॉलोअप भी करें और जेके मीडिया ने सबसे ज्यादा कवरेज आपको एम्स की पल पल की जानकारी आपको दी कि क्या स्टेटस था पूरे इस एम्स साइट की बात करें तो, जो कि एक जद्दोजहद के बाद एम्स जम्मू को मिला, यानी इसमें जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे बार एसोसिएशन जम्मू है उन्होंने भी इसमें काफ़ी अपना योगदान दिया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये कश्मीर में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद एक जद्दोजहद चली, जम्मू में आंदोलन हुए और उसके बाद जम्मू में एम्स मिला, यानी जम्मू के खाते में एम्स आया और अब उस पर ये भी कहा जा रहा था कि ये पता नहीं अभी एम्स बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी मंथ के पहले वीक में यहाँ पर पहुँचे थे तो उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, यानी नींव पत्थर रखा था और उसके बाद ये कहा गया था कि 3.5 साल की तय सीमा में इसे बनाकर पूरी तरह से कंप्लीट कर ये लोगों के समर्पित कर दिया जाएगा। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उसके बाद बीच में ये भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कुछ गलत मैसेज भी फैलाए जा रहे थे कि अब कहाँ है एम्स, अब काम क्यों नहीं चल रहा, प्रधानमंत्री ने आना था तो इसलिए वो दिन रात काम कर वहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप बनाया गया
और उतनी ही तेजी से ये भी कहा जा रहा था कि काम होने की जो है संभावना है। हालांकि काम चल रहा है, ये 1900 कैनाल की पूरा का पूरा जो दायरा है यहाँ पर काम चल रहा है। ये पूरा एरिया इतना आसान नहीं है इसे पूरी बाउंड्री वॉल को कवर करना, लेकिन अब बाउंड्री वॉल का काम जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको ये भी फिर से जो दृश्य दिखा रहा हूँ ये एम्स साइट के हैं। ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे विजयपुर रख बरोटिया का इलाका है, यहाँ पर एम्स सैंक्शन किया गया था और यहाँ पर ही इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे थे फरवरी मंथ में और उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था। और अब एक बार फिर से कमान जो है वो भारत के प्रधानमंत्री दूसरी बार बनकर आए, उन्होंने अब कमान एक बार फिर से संभाल लिया और पूरा का पूरा उनकी जो पैनी नज़र है वो इस एम्स के काम पर भी रहेगी कि क्या स्टेटस है इसका। और उसी की तर्ज पर हम कहें तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये एम जो है वो अपनी तय सीमा जो कही गई है 3.5 साल उसमें ये बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर थोड़ी सी तेज़ी लाने की ज़रूरत है। हालांकि काम चल रहा है और आप देख भी रहे हैं कि पूरा कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी तेज़ी लाने की ज़रूरत है और ये एम जो है वो जल्द यहाँ लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते बाहर जाना, स्टेट के बाहर जाना, जब डॉक्टर उन्हें कई पेशेंट्स को रेफ़र कर देते हैं, लेकिन अब जब ये एम्स की सुविधा पूरी तरह से यहाँ पर बन जाएगी फिर लोगों को थोड़ा सा जो हौसला हो जाएगा कि अपना इलाज करवाने के लिए वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब हिमाचल प्रदेश के लोग भी यहाँ पर इसका फ़ायदा ले पाएंगे, क्योंकि दिल्ली तक पहुँचना कई बारी मुश्किल हो जाता है और जम्मू के आसपास की इलाकों की भी बात करें तो वो भी लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने आएंगे। और ये अच्छी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी जेके मीडिया की टीम यहाँ पर पहुँची है आज और आपको ये दिखाना चाहते थे कि ये पूरा का पूरा दायरा जो है वो एम साइट का है और ये 1900 कैनाल से भी ज़्यादा की जो लैंड है इस पर अब काम शुरू हो चुका है, चाहे वो पुल के उस पार की बात करें या पुल के इस पार की बात करें। तो यहाँ पर अब इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा आगे से ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक अंडरपाथ बनाया जाएगा, यहाँ पुल के दोनों तरफ जो है ज़मीन जो हेल्थ डिपार्टमेंट को सौंपी गई थी अब इस पर CPWD एजेंसी जो है वो काम कर रही है। मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़े से दृश्य अगले भी दिखाए जाओ जो पुल के उस पार के हैं, क्योंकि वो हिस्सा भी एम्स की ये जो ज़मीन है उसी के अंडर आता है और वहाँ पर भी यहाँ पर मैं अस्पताल के साथ साथ हॉस्टल की फैसिलिटी भी जो है वो बढ़िया तरीके से बनाई जाएगी। और ये उम्मीद है कि अब 3.5 साल का जो वक्त तय किया गया था उस पूरे वक्त में ये एम्स जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर के दृश्य आप देख रहे हैं, मैं पैन करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो ऊपर का पुल आप देख रहे हैं, पुल के उस पार का हिस्सा भी जो है ये एम्स साइट के ही साइट में ही इंक्लूड होता है। तो अब ये पूरा का पूरा जो लैंड जो एक्वायर की गई थी हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा वो 1900 कैनाल से भी ज़्यादा थी और इस पर अब एजेंसी जो है वो CPWD काम कर रही है। एक बार फिर से यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, मैं वो भी आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं है कि जब एम्स अब बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी नारे की बात करें तो अब ये पॉसिबल हो पाया है कि अब ये एम्स का काम जो है वो शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम भी यहाँ पर चल रहा है और ये पूरी की पूरी बाउंड्री वॉल जो आप देख रहे हैं ये एम्स दायरे की है जो कि 1900 कैनाल से भी ज़्यादा है। तो अब ये यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कब ये बनकर तैयार होगा, लेकिन 3.5 साल का जो समय तय किया गया है उसी समय तय सीमा में इसे जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाउंड्री वॉल के काम के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी जो है वो चल रहा है। तो मैं आपको यही अपडेट करना चाहता था कि आपको इसके बारे में एक बार फिर से अपडेट किया जाए कि क्या स्टेटस है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सिर्फ और सिर्फ बातें की जा रही हैं कि बनेगा या नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री आए उनके लिए इतना इंतज़ाम किया गया लेकिन उसके बाद काम जो है वो रुक गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कोई काम नहीं रुका है, आप देख सकते हैं कि दूर तक जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है हम आपको दिखा रहे हैं पूरा कि इसकी बाउंड्री वाल का काम जो है इतना आसान नहीं था, एक टफ काम था जिसे CPWD एजेंसी ने अंजाम दिया, उस पूरे काम को कंप्लीट किया बाउंड्री वॉल के और अब कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू हो गया है। तो एक अच्छी खबर है जम्मू वासियों के लिए, आसपास के इलाकों के जो लोग हैं उनके लिए कि अब एम्स जो है वो 3.5 साल की तय सीमा में बनेगा और ये जल्द ही बनकर जो है वो लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। और ये एक अच्छी खबर है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भारत की सत्ता
जो है वो संभाली है, कमान संभाली है, और अब उम्मीद है कि वो इस पर जो है वो कड़ी नज़र रखे हुए कि इसका काम कब कंप्लीट हो जाएगा, और वो जानकारी जो है वो भी हम आपको देते रहेंगे कि हम इस पर भी आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या स्टेटस है एम्स अस्पताल का। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था तो यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये जल्द बनकर तैयार हो जाएगा, और अब 3.5 साल का जो वक्त कहा गया है उसी में ये बनकर जो है वो तैयार हो जाएगा। तो जम्मू वासियों के लिए, पंजाब हिमाचल के लोगों के लिए, जम्मू के आसपास के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब एम्स जो है वो जल्द बनकर तैयार होगा और आप लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट एम्स साइट जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे विजयपुर से। फिलहाल के लिए कैमरामैन अविनाश के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।